नवनीत मोहनोत साहब भी अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, जो इस बजट को हमारे साथ सुन रहे थे, देख रहे थे। मोहनोत साहब स्वागत है, बताइए कैसा लग रहा है बजट आपको? सो बाजार की जो अपेक्षाएं थी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और थोड़ा सा एक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ किया जाएगा टैक्स डिडक्शन का, वो शायद नहीं हुआ है। हालांकि काफ़ी कोशिश की गई है ग्रोथ को रिवाइव करने की, चाहे रूरल एरिया की बात हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर कहीं ना कहीं बाजार को शायद लग रहा है कि जो अपेक्षाएँ थी वो पूरी नहीं हुई। पर हमें अब फाइन प्रिंट देखना होगा और जैसा आपने बोला, आई एम श्योर जो बाजार से फीडबैक जाएगा, जो सभी लोगों का फीडबैक जाएगा, उसको जरूर ध्यान में रखा जाएगा फाइनल बजट अप्रूव होने के पहले। तो बाजार का जो फीडबैक, कभी कुछ अगर डिटेल्स में प्रॉब्लम होती है उसके लिए जरूर जाता है, लेकिन जो ओवरऑल एक थीम की उम्मीद हम कर रहे थे कि बाजार के लिए निवेश बढ़ाने वाले मौके मिले सीधे तौर पे कोई एग्जम्पशन दे करके, या ग्रोथ बढ़ाई जाए डिमांड स्टिमुलस के तौर पे, क्या ये दोनों उम्मीदें थोड़ी भी आपको पूरी होती हुई नजर आ रही? क्योंकि जो टैक्स एग्जम्पशन भी आया है पर्सनल इनकम टैक्स पे, वो राइडर के साथ आया है। जो पिछले 5 सालों में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आई थिंक उन्हीं पर बिल्ड करने की कोशिश करी गई है, तो ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस में उन्होंने काफी ध्यान दिया। जिस तरह से उन्होंने बोला कि चाहे इनकम टैक्स फाइलिंग हो, एक नया सिंप्लीफाइड रिजीम लाने की कोशिश, फेसलेस असेसमेंट या अपील की कोशिश, तो वो शायद की गई है। पर मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ की अभी स्थिति है, जो अभी बाजार की स्थिति है, शायद अपेक्षाएं और भी ज्यादा थी। तो क्या आपको लगता है कि बाजार यहां से अभी और गिरेगा? वो कहना मुश्किल है, हमें ग्लोबल स्थिति को भी मद्देनजर रखना होगा। पूरे वैश्विक बाजार नीचे थे, कोरोना वायरस का एक अलग फियर है। यहाँ पर एक बड़ी कोशिश करी जा सकती थी कि किस तरह से जो आज पूरे विश्व में ब्याज की दरें इतनी नीचे है, सेंट्रल बैंक्स और लिक्विडिटी बढ़ाने वाले हैं, किस तरह से हम उसको और ज्यादा यहाँ अट्रैक्ट कर सकें। हमें देखना होगा कि विश्व के जो निवेशक हैं वो इस बजट को कैसे देखते हैं। जी मनोज साहब, बात हुई थी फिस्कल कंसोलिडेशन की, जो 4-5 आंकड़े आए हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यूज हैं इस साल के और अगले साल के, फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है, और खासकर जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, ये मोर और लेस बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जो मैक्रो स्टेबलाइजेशन है बजट की, आपके हिसाब से वो ठीक है या आपको लगता है उसमें भी कुछ परेशानियां हैं? So, यहां से निर्भर करता है एग्जीक्यूशन पर। जैसे 2 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है, अगर आप पिछले वर्ष का देखें जहां अभी तक शायद 18-20 हजार करोड़ कुछ हुए हैं, थोड़े और हो सकते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन सामने जब अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि LIC का भी IPO किया जा सकता है, क्लियरली शोज की इंटेंशन बहुत ही बोल्ड है। अगर हम उस राह पर जा पाते हैं और अगर हम धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन के जरिए वो जो विवाद से विश्वास वाली जो बात है, अगर उस के जरिए अगर हम टैक्स रेवेन्यूज को अगले साल बढ़ा पाए, ग्रोथ थोड़ी सी रिवाइव होती है, तो मेरे ख्याल में ये आंकड़े तो आप नंबर कितने देंगे सर, ये बताइए। क्योंकि अभी तक देखिए जिनसे हमने लोगों ने बात करी, नीलेश शाह साहब भी यही कह रहे हैं, हम फाइन प्रिंट देखकर बात करेंगे, और हम लोग जर्नलिस्ट ये समझेंगे कि वो बहुत खुश नहीं है अगर फाइन प्रिंट्स देखेंगे। एज ऑफ नाउ इस बजट में उनको कुछ अच्छा लगा नहीं है। दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट थे बसंत महेश्वरी साहब, वो ये कह रहे हैं कि होम्योपैथी वाली काम किया है, और आप बड़े फंड मैनेजर हैं, आप कितने नंबर देना चाहते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, ये बताइए इस बजट को। अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं, कई सारी चीजें होती है जो आपको बाद में पढ़नी पड़ती है, बजट में बाद में समझनी पड़ती है, पूरे आंकड़े देखने होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो नंबर मैं बाद में देना चाहूंगा। मनोज साहब, एक प्रश्न आपसे ये है, आप शेयर्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, ये जो करीब 2 घंटे 40 मिनट की हमने स्पीच सुनी, कोई तो ऐसे 2 या 4 सेक्टर होंगे जो आपको पसंद आए होंगे सन 2020 में निवेश करने के लिए? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन है कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेट केपेक्स को वापस लाया जाए, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स दर में कमी करी, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकालने की बात करी, या और भी सॉवरेन वेल्थ फंड्स का कैसे पैसा और लाया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर में, है इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करने का। अब हमें देखना होगा कि कैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर काम करती है। एक आप थीम देखेंगे पूरे बजट में, कई जगह स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करी गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स ये इंप्लीमेंट करते हैं उनको, उनके साथ हम ये करेंगे, ये जो स्कीम है वो उन स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल बॉडीज के साथ है जो हमारी ये स्कीम के साथ करेंगे या जो टॉप में रहेंगे। हम देखना है कि साथ में मिलकर अगर वो इन्वेस्टमेंट साइकिल को थोड़ा भी रिवाइव कर पाते हैं, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ पाता है, तो वो थीम जारी रहेगी।
नहीं शायद ये भी है कि रूरल इनकम्स बढ़ाए जाएं, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ाई जाए तो कंजम्पशन के लिहाज से भी ठीक है. तो कंजम्पशन का सेक्टर अच्छा करेगा, क्योंकि अगर इनकम टैक्स में जो छूट देने की बात हुई, हालांकि कुछ राइडर्स के साथ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं राइडर्स नहीं देते तो ज्यादा अच्छा था. कंजम्पशन सेक्टर आपको लगता है सबसे स्टार सेक्टर है अगर इस पूरे बजट में एक थीम ढूंढ के निकाली जाए? नहीं, भारत में कंजम्पशन तो हमेशा रहेगा चाहे कोई भी बजट को उठाया जाए, बिकॉज अगर इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर 2/3 इकोनॉमी का कंजम्पशन ही है तो हमेशा उस पर तो कुछ भी किया जाए उसका प्रभाव होगा ही. बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कोशिश करी गई है किस तरह से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव किया जाए. बिल्कुल. तो आप जो एग्जीक्यूशन की बात करें, देखिए जो डिटेल्स आ रहे हैं करीब 90,000 करोड़ का एक स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कह रहे हैं, और उसके अलावा मेरे ख्याल से एक डिविडेंड से भी इनकम आ रही है. मुझे बताना पड़ेगा, पहले फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने अपनी बजट स्पीच जो है वो कट शॉर्ट करी है, पूरी नहीं की है. तो ये पीटीआई से खबर आ रही है, और ये हो सकता है कि हम काफी जो आंकड़ों की उम्मीद कर रहे हैं अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं वो शायद आपको बाद में आते हुए दिखें. तो अभी तक जो फैग एंड में हमने देखा था वो थोड़ा अटक रही थी, उसके बाद हमने देखा था हरसिमरत कौर जी ने जाकर उनको एक दवा भी दी और तबीयत कुछ बिगड़ी थी ऐसा लग रहा था तो अब ये समझ में आ रहा है कि वो पूरी बजट नहीं है, इसलिए डेवल लाइज इन द डिटेल्स और अच्छी बातें भी कैन लाई इन द डिटेल. तो आप नवनीत मोहनत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो डिटेल्स देखेंगे उसके बाद ही बयान देंगे. हेमंत जी, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से बाजार पर आपको लाल निशान दिख रहा है, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर व्यू लेते हैं. वीरेन जी हमारे साथ हैं और वो अपनी टेक्निकल पंचायत से पूछेंगे कि कौन जी तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी या निफ्टी पर एक व्यू आएगा. बड़ा झटका जरूर लगा है शैल, वीरू ने एक थोड़ा सा ब्रेक लिया है पूरा बजट सुनने के बाद. लेकिन निफ्टी बैंक जिस तरह से धराशायी हुआ और 200 पॉइंट की गिरावट जो देखने को मिली, हमारे तकनीकी जानकारी बताएंगे. पालविया साहब, आपने एक बहुत ही अग्रेसिव निफ्टी पर बाय कॉल दिया था प्री बजट, अब जो पूरी तरह से फिसला है, क्या उस ट्रेड में आपने पोजिशन काट ली है, क्या एक नया शॉर्ट कट ट्रेड लिया जाए? देखिए, शॉर्ट का ट्रेड अब यहाँ से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है डिफिकल्ट है, क्योंकि एक बार का जो रिएक्शन था वो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं. निफ्टी ऑलरेडी 11,750 के जोन में जा चुका है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए. कुछ सेक्टर है जहाँ पे कहीं बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, वो आईटी सेक्टर, उसमें टीसीएस लीड कर रहा है. तो टीसीएस का जो कॉल ऑप्शन हमने रिकमेंड किया था, मुझे लगता है उसको होल्ड करना चाहिए. इवन टीसीएस में जिस तरीके से बाइंग आ रही है, आईटी इंडेक्स भी देखे तो ग्रीन में आ चुका है. तो एक आईटी सेक्टर को थोड़ा फोकस करते हैं जहां पे पुलबैक का ट्रेड बन सकता है. बैंक निफ्टी देखें तो 29,930 के आसपास निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी एक करेक्शन ले चुका है, और वहां पे मुझे लगता है कि अभी यहां से शॉर्ट नहीं करना चाहिए. इवन एक कॉन्ट्रा प्ले जरूर किया जा सकता है, मुझे लगता है 11,800 का कॉल ऑप्शन बाय करें यहां से एक पुलबैक के लिए. प्योरली इंट्राडे होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा 80 रुपीज का, और मुझे लग रहा है कि यहां से जो 11,700-11,750 के आसपास जो एक बेस बना, यहां से एक पुलबैक बनेगा थोड़ा सा, और उसमें 120 से 130 रुपए का टारगेट हो सकता है. तो 11,800 का कॉल ऑप्शन लेके बाय किया जा सकता है. ध्यान रखिएगा पुलबैक का ट्रेड है, और ये भी ध्यान रखिएगा कुछ टैक्सेस अभी उन्होंने अनाउंस करने बाकी हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है. तो वित्त मंत्री जी ने अभी पूरी बजट की स्पीच पढ़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा. अब उसमें अभी क्या बाकी है ये कोई भी देखिए, किसी के लिए भी गेस करना इस समय मुश्किल है. लेकिन ये बजट स्पीच इंटरप्ट की गई है, तो पूरा डॉक्यूमेंट देखिए अभी हमें पढ़ना जरूरी है. और हमारे एक्सपर्ट्स भी देखिए यही कह रहे थे कि वो देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे. लेकिन जितना अब तक हमारे सामने है उस पर राय क्या है वो हम अपने एक्सपर्ट से ले रहे हैं. एक बार रेवेन्यू सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखिए क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं. सर, एग्जम्पशन को लेकर सवाल उठता है, इनकम टैक्स में जो कटौती की गई है और कहा गया एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, किस एग्जम्पशन को आप हटा रहे हैं, क्या सेक्शन है उसका? पूरा लिस्ट डिटेल में दिया गया है. लोगों में अंदेशा है कि जो हम लोग हाउसिंग लोन को प्रिंसिपल पे इस पे क्या वो भी और उसके बाद भी लोगों को फायदा होने वाला है? लेकिन क्या जो मान लिया जाए हम नए रेजिम को सिलेक्ट करते हैं तो क्या हमें हाउसिंग लोन पे एग्जम्पशन मिलेगा, इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल पे? नहीं, अगर आपने अगर किराए पे अगर मकान दिया हुआ है अगर तो उस पे जो इंटरेस्ट देंगे उस पे मिलेगा. मान लिया हमने खुद अपने लिए होम लोन लिया हुआ है तो क्या हमें इस पे छूट मिलेगी इनकम टैक्स पे और हम उस घर में रहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन है. या तो आप पहले वाले स्कीम में, पहले वाले ऑप्शन में जाकर के आप एग्जम्पशन ले लें और टैक्स भर दें, या तो नए वाले रेजिम में रहेंगे तो उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा हाउसिंग लोन में. इससे दूसरे जो एग्जम्पशन मिलते थे सर इन्वेस्टमेंट को लेकर के, चाहे एनएससी का इन्वेस्टमेंट हो, दूसरे सभी में वही चीज है.
इन सारे इन्वेस्टमेंट को एग्जेम्पशन को नए रिजिम के तहत हटा दिया गया और उसके बाद भी लोगों को फायदा होने वाला है। मैं पूछा तो सारे एग्जेम्पशन जो मैंने कहा हाउसिंग लोन हाउसिंग प्रिंसिपल और इन्वेस्ट सेविंग के उस सारे एग्जेम्पशन को नए रिजिम काफी सिंप्लीफाइड कर दिया नए रिजिम में एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे पुराने रिजिम में मिलेगा तभी आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। सर इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है सबसे बढ़िया खबर मिल रही है सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर जो हाउसिंग एग्जेम्पशंस थे उसमें फेरबदल हुई है। डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है डेविल है डिटेल्स में लेकिन हमारे साथ कोहली साहब बैठे हुए वो आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि क्या क्या फेरबदल हुआ है। कोहली साहब एक बेसिक प्रश्न फायदे की बात हुई है या नुकसान हुआ है? मुझे लग रहा है शैल जी ये ऑप्शन निकली है आपके पास। ऑप्शन ये है कि आप पुराना जो 5% 20% 30% का जो टैक्स रेट था जैसी एग्जेम्पशंस थी जस का तस बना हुआ है पहली बात। दूसरा एक नया रिजीम दिया गया है जो नई अभी अनाउंस हुई है जिसमें 7.5 लाख और नए टैक्स रेट्स लाए गए हैं वो बिना एग्जेम्पशन के। पर उसमें जो मेन बात यह आई है कि उन्होंने ये बोला स्पीच में कि 100 अभी ऐसी डिडक्शंस थी जिसमें से 70 हम निकाल रहे हैं तो ये अभी जैसे कि यू नो डिटेल्स में जाना पड़ेगा। डेविल इज इन डिटेल वाला कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होता है कि कौन सी वो 70 अपर। अभी जो रेवेन्यू सेक्रेटरी का लक्ष्मण हमारे इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बहुत क्लियर तो नहीं बताया, मुझे लग रहा है जितनी हमें क्लैरिटी छोड़ी है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा हाँ आपके पास ये ऑप्शन रहेगी कि आप उसको छोड़ना चाहते हैं, अगर आप छोड़ देते हैं तो आप नए रिजीम में आ जाइए। तो मैं टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते ये बताता हूं कि कोई भी टैक्स पेयर को अपना इवैल्यूएशन करके देखना पड़ेगा, उसको दो कंपटीशन बनाने पड़ेंगे, पहला कंपटीशन पुराने रेजिम में दूसरा कंपटीशन नए रेजिम में। तो मैं यहां पर एक चीज पे प्रश्न जरूर उठाऊंगा कि आप जब सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो आप तो काम हमारा डबल हो गया। डबल इसलिए हो गया टैक्स पेयर को पहले देखेगा मैं इसमें जाऊंगा कि मैं उसमें जाऊंगा, दोनों में टैक्स कैलकुलेट करेगा, जिसमें टैक्स कम होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा, कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। पर जो विवाद से विश्वास तक स्कीम है जी जिसमें लाखों करोड़ रुपया इस समय अपील्स में फंसा हुआ है मुझे लग रहा है कि उसमें जरूर कुछ फायदा एक तरह की क्वाजाई एमनेस्टी स्कीम ये है कि जिन लोग विवाद में फंसे हुए हैं और एपिलेट लेवल पे सीआईटी अपील्स लेवल पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत अपील्स फंसी हुई हैं उसमें मुझे लग रहा है जो बिना इंटरेस्ट और पेनल्टी दिए आप अपने डिस्प्यूट को 31 मार्च तक रिजॉल्व कर सकते हैं। यही नहीं 1 अप्रैल से 30 जून तक आप थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट पे करके आप उसको फिर भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है क्वाजाई एमनेस्टी स्कीम आ गई है 30 जून तक जिसका कि टैक्स पेयर्स फायदा उठा सकते हैं। सबका विश्वास स्कीम में भी लोगों ने फायदा उठाया था, फायदा बिल्कुल उठाया, बिल्कुल 100% उठाया है। और आपको ये मैं बताऊं कि बहुत सारे केसेस में जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है जी हाँ। वो टैक्स से कहीं ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उठाया था उसमें। वो टैक्स से कहीं ज्यादा है और जो उन लोगों को मुझे लग रहा है इसका ज्यादा फायदा होगा जहां पर आपका इंटरेस्ट बहुत कम है और जहां पर आपको केस जीतने की उम्मीद है दैट इज आपका बोनाफाइड फैक्ट्स है वहां पर लोग हो सकता है स्कीम के लिए ऑप्ट ना करें। अब बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं मुझे लग रहा है इस बजट में आप बजाय इंस्टेंट रिएक्ट करने के जब आप लोगों से नंबर भी मांग रहे हैं कि कितने नंबर देंगे जी। सभी लोग नंबर फाइन प्रिंट पे देंगे हेडलाइंस पे नंबर देने में सब हिचकिचाएंगे। आप बताइए सर मेरा सवाल आपसे भी यही है, मैं अगर नंबर दूं आप चौतरफा ग्रोथ की बात करें कंट्री क्योंकि इतनी लंबी स्पीच थी तो लंबी स्पीच खुद ब खुद ये बता रही है कि शायद ही कोई सेक्टर छोड़ा है जिसका नाम नहीं लिया गया हो। अगर मैं ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं 6 या 7 नंबर दे दूंगा, पर मैं अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं क्योंकि एक ऑप्शन दी गई है जिससे मुझे लग रहा है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाली है, मैं वहां पर 5 ही नंबर देना चाहूंगा, मैं इससे ज्यादा नंबर नहीं दूंगा। हालांकि फिर मैं ये कहूंगा कि फाइन प्रिंट को एक दफे देखना। कोहली साहब आप इतने लोगों की टैक्स प्लानिंग देखते हैं क्या लगता है कितने फीसदी लोगों को दरअसल इसका फायदा होगा क्योंकि सबके पास एग्जम्पशंस हैं, सबके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, सबके पास बड़े पैमाने पे लोगों के पास होम लोन्स हैं, बेनिफिशियरी कितने फीसदी लोग? दो कैटेगरी के लोग प्रदीप इसमें होंगे, एक कैटेगरी जिनका जिनकी कंपटीशन डिडक्शन और एग्जेम्पशन से भरी होती है मतलब उनका बहुत सारी एग्जेम्पशन डिडक्शन लेते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी बड़ी सिंपल सी कंपटीशन होती है, सीधी सीधी आपके इनकम आई आपने टैक्स दिया और आप गिनती पूछ रहे हैं मेरे से, लगभग आधी आधी है, आधे लोग हैं जिनकी कंपटीशन टैक्सेबल कॉम्प्लिकेटेड होती है, आधे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी सिंपल सी कॉम्पिटिशन होती है। 15 लाख से कम टैक्स पेइंग जो इनकम वाले लोग हैं उनमें से 50% टैक्स पेयर्स को लगता है कि फायदा होगा
बाकी के 50%। अब फिर आपको दो कंपटीशन बनानी पड़ेंगी, जो कैच है सारी, हम बार बार सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को बताएं कि दो कंपटीशन आप बनाएं, एक पुराने रेजिम में एक नए रेजिम में, देखें साहब जिसका पलड़ा भारी है उसको आप चूज कर लें। तो आपके आपका काम और बढ़ने वाला है, ये बात तो पक्की है। पर अभी आपने सुनी नहीं स्पीच में, तो उन्होंने बोला प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट हम कर रहे हैं और वो बड़ा स्वागत की बात है। पर अब ये चीज देख के लग रहा है कि सिंपल तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आपको दो दो कॉम्पिटिशन बनानी पड़ेंगी, एक ही बनानी बड़ी मुश्किल पड़ती थी, अब आप दो दो बनानी पड़ेंगी। ठीक बात है। सुब्रमण्यम साहब आपका टेक क्या है, आप बताइए आपका फर्स्ट रिएक्शन। देखिए फर्स्ट रिएक्शन ये है कि एक मौका छूटा।